Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in the earlier video, that is in the lecture 25, we have discussed about the BCR, that is Benefit Fit Cost Ratio. So in this lecture, we are going to discuss about the payback period. So this is gonna be very, you can say, second last video of our Unix 4 lecture. And in next, basically in lecture 27, we will complete the whole syllabus. So in this video, we will discuss about the payback period, what are the importance of payback period, how we basically calculate the payback period, and what are the other criteria or what are the other features of payback period. So this is our complete agenda today, guys, okay? So before we go to the video, guys, if you are new here to my channel, support our channel because your support is very, very important. If you are watching a lot of videos, but you are not subscribing my channel, you are not liking the video. Okay, so try to support us, guys, okay, so that in continuing to that other subjects का ही मैं लेक्चर ला सकूँ अपने चैनल पे. ओके, सो प्लीज डू सपोर्ट. सो लेट मी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेबैक पीरियड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अंडरस्टैंड द बेसिक. मैं एक एनालॉजी बताता हूँ पेबैक पीरियड क्या होता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर फ्रॉम द वर्ड पेबैक पीरियड. पेबैक पीरियड मीन्स कितना टाइम के बाद भाई आपको वापस वो पैसा मिल जाएगा. बोलते हैं ना कि पेबैक पीरियड. सपोज आपने किसी को भाई लोन दिया या किन्हीं को भाई आपने सबने आप सपोज आपने किसी फ्रेंड को दिया भाई मैं आपको 100 रुपया या 200 रुपया देता हूँ. देन यू मे आस्क टू योर फ्रेंड दैट भाई आप मेरे को कब लौटाओगे. ओके, सो ही मे से दैट आफ्टर 2 डे और आफ्टर 3 डे और आफ्टर 1 डे आई विल बेसिकली रिटर्न योर मनी. सो दैट विल कॉल्ड एज अ पेबैक पीरियड. मीन्स कितना समय के बाद आप लौटाएंगे. सो दिस इज बेसिकली एनालॉजी ऑफ पेबैक पीरियड. लेट मी गो टू द स्लाइड. पेबैक पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. मीन्स वेन अ कंपनी डू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट देन वट इज द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट दैट इन्वेस्टमेंट. सपोज कोई एक कंपनी भाई कोई एक कंपनी सपोज कहीं इन्वेस्टमेंट किया $10,000 का. देन फॉर हाउ मच टाइम मीन्स आफ्टर हाउ मच टाइम ही विल गेट दैट $10,000. सो दैट वी कॉल्ड एज दैट टाइम वी कॉल्ड एज अ पेबैक पीरियड. सो इट इज द नंबर ऑफ ईयर इट टू टेक टू गेट बैक द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड फॉर अ प्रोजेक्ट. देयर फॉर एज अ टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग द पेबैक पीरियड विल बी यूज टू कंपेयर प्रोजेक्ट. मीन्स एज अ कैपिटल बजटिंग इट विल बेसिकली हेल्प टू कैलकुलेट द प्रोजेक्ट. क्योंकि जिस भी प्रोजेक्ट सपोज 2 प्रोजेक्ट है तो जिस भी प्रोजेक्ट में भाई पेबैक पीरियड कम रहेगा मीन्स बहुत कम टाइम में वो उतना गेन कर पाएगा देन दैट कंपनी विल बेसिकली कंसिडर दैट प्रोजेक्ट. जहाँ पर पेबैक पीरियड कम रहेगा ही विल कंसिडर दैट प्रोजेक्ट. ओके, सो दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर एनालिसिस टू मीन्स इन कैपिटल बजटिंग टू. प्रोजेक्ट विद द लिस्ट नंबर ऑफ ईयर यूजली सिलेक्टेड दैट आई ऑलरेडी सेड. जिसका पेबैक पीरियड कम रहेगा दैट प्रोजेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे. लेट मी गो टू वन एग्जाम्पल आफ्टर दैट इट विल बी मच क्लियर टू यू. सो सपोज एप्पल लिमिटेड हैज 2 प्रोजेक्ट ऑप्शन. प्रोजेक्ट ऑप्शन 1 दैट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन बोथ द प्रोजेक्ट इज रुपीज 10 करोड़. ओके, एंड प्रोजेक्ट ए हैज इवन इनफ्लो ऑफ रुपीज 1 लाख पर ईयर और एवरी ईयर. सिमिलरली फॉर प्रोजेक्ट बी हैज अन इवन कैश फ्लो एज फॉलो. मीन्स एक में क्या है इवन है मीन्स हर एक ईयर में एक लाख आई रहा है बट इन प्रोजेक्ट विद इज बेसिकली अनइवन. अनइवन मीन्स दैट इज बेसिकली नॉट यूनिफॉर्म. सो फॉर फर्स्ट ईयर दे आर गेटिंग 2 लाख पर ईयर, फॉर सेकेंड ईयर 3 लाख, फॉर थर्ड ईयर 4 लाख, ओके सॉरी 40 लाख, एंड सिमिलरली फॉर फोर्थ ईयर दैट दे आर बेसिकली गेटिंग दैट इज 1 लाख. नाउ फाइंड पे बैक पीरियड फॉर बोथ प्रोजेक्ट एंड कंपेयर. सो सिंपली हेयर दे आर आस्किंग दैट फाइंड पे बैक पीरियड फॉर बोथ मीन्स फॉर प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी एंड कंपेयर दैट विद दैट विच इज गुड ऑप्शन. So let me go to the solution after that, it will be much clear to you. So payback period equal to what? Initial investment upon net annual cash flow. ये आप formula याद रखिए, that is the payback period equal to initial investment plus net cash flow. Okay, so this is the formula basically. I will tell everyone to remember this for the payback period. Very, very important. Now payback period for a project equal to 10 lakh upon initial investment but what? Means net annual cash flow was what? 1 lakh. So just you will divide and you will get the payback period as here 10 year. Okay, so you have got the value as 10 year. Now payback period for project B. Okay, so for project B basically it is not evenly distributed. Okay, so we have to basically calculate for every year. So total outflow is equal to 10 lakh and total inflow is basically 10 lakh. Okay, so total inflow is basically 10 lakh. कैसे मैंने निकाला? हर एक year का जो था भाई 2 lakh per year per means for first year, 3 lakh for second year and 4 lakh for fourth year, थर्ड ईयर एंड फॉर बेसिकली 1 lakh फॉर फोर्थ ईयर. सो जस्ट वी हैव डन द कैलकुलेशन एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट 10 lakh. ओके, सो प्रोजेक्ट भी बेसिकली टेक 4 ईयर. यहाँ भाई दिया भी गया कि 4 ईयर में भाई ये लग रहा है. ओके, सो टोटल पेबैक पीरियड इज 4 ईयर एंड देयर बेसिकली पेबैक पीरियड इज 10 ईयर. सो
It is clear from that, guys, that project B is taking less time, okay? Or you can say payback period of project B is less than payback period of A, which is 10. So that's why project B will be good, or you can say project B is preferred. So I hope clear. Let me come to another example, that is example 2. Suppose initial investment is 10 lakh. Now cash inflow are basically 2 lakh for first year and 3 lakh for second year. For year 3, 7 lakh. And for year 4, that is 1,50,000. So calculate payback period. Again, guys, you have to basically calculate here payback period. So let me come to the solution. So for the year 0, they have already said that total flow is 10 lakh. Okay. So cumulative flow will be what? 10 lakh. Okay. Cumulative flow means total flow is going to be what? 10 lakh. Now for year 1, total flow is basically 2. 2 lakh, or you can say 2. Okay. So if 2 lakh are basically flow means kya? Wo bahar chala gaya, then what is basically remaining? Cumulative flow, that will equal to 8. Now for second year 3, that already means 8 minus 3 equal to 5. And similarly, next year that the total flow is equal to 7. Okay. So 7 minus 5 equal to what? 2. And similarly for the next, that is the 1.5. So 2 plus 1.5 equal to 3.5. So thus we got the cumulative flow. Okay. Now guys, if aap yahan pe dekh sakte hain, main yahan pe bracket dikha, okay? So bracket means basically negative cash flow. Okay. Aap yahan dekh sakte hain, negative cash flow hoga. Okay. Kyunki main yahan agar subtract karun, okay. Means 2 minus 10 equal to what? 8, or you can say minus 8 means negative. Similarly, 3 minus 8, that is minus 5, that's why it is negative. Now 7 minus 5 equal to what? 2, that is positive, isliye main isko bracket mein nahi rakha. Okay, so here curly brackets you can say, means open bracket aap kar sakte parenthesis, that we call as a negative value. Okay, so these are the negative value or outflow. Now to find out the payback period, assume that cash flow equal in every month of the year. Okay, means assume हम लोग करते हैं कि cash flow हर एक year में same हो रहा है. So first of all, what is the step? So first step one is equal to year with last negative cumulative flow has to be selected. So जब भी भाई हमको cash flow निकालना हो, सबसे पहले हम लोग last negative जो cumulative flow रहेगा उसको पहले consider करेंगे. Okay, क्योंकि यहाँ पर क्या है, last negative value is what? Year is 2. So that's why we will calculate the year 2. सर ये जनरल प्रोसेस है, आपको ये रूल ध्यान रखना होगा कि पहले लास्ट जो निगेटिव उसको कंसीडर करेंगे. नाउ इन स्टेप टू बेसिकली डिवाइड द टोटल क्यूमुलेटिव फ्लो ऑफ ईयर टू बाय टोटल फ्लो ऑफ कंजिक्यूटिव ईयर. सो टोटल क्यूमुलेटिव फ्लो ईयर दे हैव ऑलरेडी सेड दैट 5 एंड कंजिक्यूटिव ईयर इज बेसिकली व्हाट 7. सो जस्ट वी हैव डन द डिवीजन एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट द वैल्यू एज 0.71. नाउ इन स्टेप 3 जस्ट यू हैव टू बेसिकली सम अप द स्टेप 1 एंड स्टेप 2. सो स्टेप 3 इक्वल टू स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 एंड दैट द पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू व्हाट 2.7. ओके, क्योंकि payback period for step 1 means in step 1 we have got the year as 2 and for step 2 we have got the year as 0.71. so just we have done the addition and after that we have got the value. Okay, simply kar yahan par dhyan rakhe ki sabse pehle hum log jo last negative flow hai jo ki yahan par year second tha usko consider karenge. Okay, and later basically we will divide the cumulative flow of the year by total flow of consecutive year, means uske baad jo year ka aayega just we have divide. So 5 divided by 7 kar diye, just we have done the calculation. So I hope clear. Let me come to the next important question, example 3. What are the questions saying? First, let me go through that. ABC International has received a proposal from a manager asking to spend $1,50,000 on equipment that will result in cash inflow in accordance with the following date. Means cash inflow ka value diya hua hai. Okay. And they are basically asking to spend $1,50,000. So for first year, cash flow is $1,50,000. Second year, basically 150. Okay, or again second 1,50,000, for third year 2 lakh and fourth year 6 lakh and for fifth year that is the 9 lakh. So calculate payback period. Okay, so simply basically guys, you have to calculate the payback period here. Now for calculating the payback period, let me again formulate the table. So for year 0, 1, 2, 3, 4, 5, every year we have written. Now cash flow in dollar, that is 15. Okay, so cash flow 15 hai. Again my bracket means negative. Now cumulative flow will be what? Again in negative, क्योंकि flow by 15 already आपका हो चुका है, तो जो cumulative flow means total flow तो 15 रहेगा ना. Now 1.5 है, okay, means inflow means आपका आ रहा है 1.5 positive value. So 15 means minus 15 plus 1.5 equal to what? Minus 13.5. So we have got cumulative flow means overall आपका अभी क्या हुआ, okay, means after ending one year what is basically overall flow. So that is minus 13.5. Again next year is 1.5. So we have again done the subtraction, so that we got 12. आपको लग रहा भाई मैं बार बार माइनस जो 1.5 क्यों कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि 1.5 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ईयर के अकॉर्डिंग भाई अपने को मीन्स दिया गया 1.5
2 lakh. Okay, so according to that, we are basically dividing this value with this and we have got the value. Similarly for next, that is the 2. So for 12 minus 2 minus 10, 10 minus 6 minus 4. Now 4 minus 9 equal to what? 5. So thus we have calculated the cumulative flow. Now payback period equal to 4 plus 4 upon 9. ऑलरेडी मैंने बताया कि 4 प्लस 4 बाई 9 की लास्ट का जो वैल्यू है वो देखेंगे. ओके, मैं इसमें क्वेश्चन भी मैंने बताया कि जो लास्ट का यहाँ 5 था, तो 5 से मैंने डिवाइड बाय 7 करके कैलकुलेट किया था यहाँ पर. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया था. सिमिलरली है लास्ट इज व्हाट? 4. सो 4 अपॉन 9, दैट इज बेसिकली फॉर द मीन्स फॉर नेक्स्ट मीन्स इकन के सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में 4 मैंने ऐड किया. सो 4 प्लस 4 बाई 9 इक्वल टू 4.44. ओके, अगेन का ये स्टेप को ध्यान रखें. फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जिसका भाई लास्ट नेगेटिव क्यूमुलेटिव फ्लो है उसको कंसीडर करेंगे, एंड नेक्स्ट वी बेसिकली जस्ट डिवाइड द नेक्स्ट कंजुगेटिव फ्लो. सो लास्ट इसका कंजुगेटिव फ्लो क्या था भाई? 4 था, तो 4 प्लस 4 अपॉन 9 कर दिए. ओके, लास्ट कंजुगेटिव 4 एंड 4 अपॉन 9 मीन्स 4 अपॉन कंजुगेटिव. नेक्स्ट कंजुगेटिव का कॉज फ्लो क्या? जस्ट वी हैव डन द कैलकुलेशन. सो आई होप क्लियर. लेट मी कम टू द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द व्हाट इज एडवांटेज ऑफ दिस मैटर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इकोनॉमिक्स को हटाता हूँ, आप बेसिक आइडिया समझे पे बैक पीरियड का एडवांटेज क्या होता है. ओके, सपोज योर फ्रेंड्स आर सेइंग दैट या आई विल रिटर्न इन दिस, देन यू आर बेसिकली गेटिंग एश्योरेंस दैट या आई विल गेट दैट मनी इन पर्टिकुलर ईयर. सो देयर इज सर्टेन एडवांटेज ना, मीन्स यू कैन एनालाइज दैट या वेदर आई शुड गिव हिम मनी और नॉट. सो दिस इज बेसिकली एडवांटेज आप कह सकते हैं मैनेजमेंट, मीन्स आपको एक मैनेज करने में हेल्प करता है कि या मैं उसको दूंगा भाई तो ये मेरे को 2 महीना या 3 महीना में रिटर्न या 2 दिन 3 महीने रिटर्न करेगा. सो मे पे बैक पीरियड अगर आपको पता रहेगा देन यू कैन इजिली मैनेज द रिसोर्सेज एंड यू कैन इजिली एलोकेट द रिसोर्स टू. ओके, सो इट इज बेसिकली यूज बाय मैनेजमेंट टू गेट अ क्विक एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट और रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट, मीन्स प्रोजेक्ट को भाई कैसा चलेगा नहीं चलेगा अकॉर्डिंग टू दैट दे विल एनालाइज. सिमिलरली पे बैक मेथड इज बेसिकली यूज बाय इंडिविजुअल ऑल्सो टू एनालाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. कोई भी कंपनी में भाई कोई डिसीजन करता है तो, और बेसिकली बिफोर डूइंग इन्वेस्टमेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एवरी पर्सन बेसिकली डू एनालिसिस. सो इट ऑल्सो हेल्प इन्वेस्टर दैट वेदर आई शुड इन्वेस्ट ऑन दैट और नॉट. अगर पे बैक पीरियड उनका ठीक ठाक है देन दे विल बेसिकली कंसिडर फॉर इन्वेस्टमेंट, बट इफ पे बैक पीरियड इज नॉट गुड और आप कह सकते हैं कि पैसा अगर उनका भाई नहीं लौट रहा देन दे विल बेसिकली नॉट डू इन्वेस्टमेंट. सो इट ऑल्सो हेल्प इन्वेस्टर टू डू द इन्वेस्टमेंट और बेसिकली टू टेक इन्वेस्टिंग डिसीजन. इट इज बेस्ड ऑन वेरी सिंपल नीड टू गेट बैक एट लीस्ट हाउ मच ही हैव स्पेंड, मीन्स वो लोग जितना स्पेंड करें उसके अकॉर्डिंग कितना वो भाई रिटर्न पाएंगे. ओके, कितना ईयर के बाद रिटर्न पाएंगे दैट इज इंपॉर्टेंट. सो दीज आर बेसिकली पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द पे बैक पीरियड. नाउ लेट मी कम टू द नेगेटिव थिंग्स ऑफ दिस मेथड. सो दिस मेथड बेसिकली डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड ट्रीट ऑल फ्लो एट द पार, मीन्स मेन डिमेट इनका ये वेगा कि ये टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करता है. ओके, मैं ऑलरेडी मैं ये 2-3 में जब कैलकुलेट किया हूँ तो भाई टाइम वैल्यू को आपको मीन्स कंसिडर किया ही नहीं जाता पे बैक पीरियड में. ओके, सो दैट्स वाई इट इज बेसिकली नॉट गुड थिंग्स. सो इट इज बेसिकली डिमेरिट ऑफ this concept that you can say payback period. Now second is, what is the second very demerit? That this method does not take into account the cash flow post of the return of investment. Mean basically if any certain cash flow is basically going to happen after the investment or you can say post of the investment, then it is basically not considered. Means payback period mein hum log consider nahi karte. So that is basically demerit. सो सम प्रोजेक्ट मे जनरेट हायर कैश फ्लो इन द लेटर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. ऐसा हो सकता है भाई कि आपको टाइम बैक पीरियड में आपने वो कंसिडर नहीं किया, बट हो सकता है कि अदर टाइम में. ओके, मीन्स जब टाइम बैक पीरियड आपका और एक पे बैक पीरियड आपका कंसिडर खत्म हो जाए उसके बाद हो सकता है कि भाई उसका मीन्स इनकम इंक्रीज हो रहा हो या कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा हो, सो वो सब कंसिडर नहीं करेगा. सो बी मे लैक द प्रॉपर एनालिसिस. ओके, सो दैट इज द बेसिकली डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड. सो फ्रेंड दिस इज द कंप्लीट लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर फॉर द पे बैक पीरियड. सो आई होप इंफॉर्मेटिव टू यू. ओके, अगेन सेइंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, सो पे बैक पीरियड इज बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ पे बैक पीरियड वेयर वी हैव डिस्कस्ड दैट फॉर हाउ मच टाइम बेसिकली दे विल गेट द इन्वेस्टमेंट बैक और दे गेट द मनी बैक, दैट वी कॉल इट पे बैक पीरियड. सिमिलरली वी हैव डन सम सॉल्व एग्जाम्पल. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव बेसिकली कैलकुलेटेड द पे बैक पीरियड फॉर वेरियस अदर एग्जाम्पल. लेटर एट लास्ट वी हैव गोन थ्रू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. एडवांटेज क्या है भाई, मैनेजमेंट में ये मेथड करता है, मीन्स आसानी से मैनेज हो सकता है. पे बैक पीरियड ऑल्सो हेल्प टू एनालाइज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ओके, मीन्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले भाई एनालिसिस करने में मदद करता है पे बैक पीरियड. डिसएडवांटेज क्या है कि ये टाइम को कंसिडर नहीं करता, यू कैन से टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता. एंड अदर डिसएडवांटेज दैट इट डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ कैश फ्लो पोस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद भाई वो टाइम को कंसिडर नहीं करता. सो दैट इज बेसिकली डिमेरिट ऑफ दिस मेथड. सो फ्रेंड्स आई होप
this video is informative to you. If you haven't updated anything, feel free to ask here. Okay. And if you still haven't joined our Telegram or WhatsApp group, then must join that group, because that is very, very important for you for getting good marks. Okay. क्योंकि मैं वहाँ पर बस इकोनॉमिक्स का नहीं नोट्स शेयर कर रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट का भी शेयर कर रहा हूँ, सदर DSA, C++, Java का, ओके, अदर आपका भी मैथ्स का आएगा, सबका मैं वही नोट्स शेयर कर रहा हूँ. सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट फॉर गेटिंग नोट्स फ्री. और आप भाई इस ग्रुप के बारे में और दोस्तों को बताएं, सो दैट वी कैन हेल्प मोर नोट स्टूडेंट. आई होप इन्फॉर्मेटिव टू यू. मस्ट शेयर दिस वीडियो विद मोर फ्रेंड. टिल देन बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.